हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और हम चलते हैं अब अपने वीडियो नंबर 5 शेयर कैपिटल, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में अभी तक हमने देखा कि कंपनी शेयर को कैसे इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम, इन प्रकार के हम क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अब हमारे पॉइंट्स आते हैं एट पार और एट प्रीमियम के बाद अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। आज हम इन तीन टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले वो समझेंगे हम। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम शेयर की एप्लीकेशन रिसीव होना, वो कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मींस एज्यूम कर लीजिए कंपनी ने 5000 शेयर्स इशू किए हैं और जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो एप्लीकेशन आपको 4200 शेयर्स की रिसीव हुई है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है उससे कम शेयर की एप्लीकेशन अगर रिसीव होती है तो वो कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो अंडर सब्सक्रिप्शन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर क्या होता है पहले ये देखेंगे। तो देखिए, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है ऐसी राशि जो कंपनी ने पब्लिक से डिमांड की है लेकिन पब्लिक उस राशि को पेड नहीं कर पाई है, वो हमारा कहलाता है कॉल्स इन एरियर। इट मीन्स कंपनी ने एप्लीकेशन की मनी मांगी, अलॉटमेंट की मनी मांगी, फर्स्ट कॉल की मनी मांगी, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन की राशि दे दी, अलॉटमेंट की राशि दे दी, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए। तो वो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रहे हैं वो हमारे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी जितना पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है शेयर्स पर, वो पैसा हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कॉल्स इन एरियर, यानी कि जो पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, जो शेयर होल्डर अमाउंट्स नहीं दे रहा है किसी भी कॉल पर, वो हमारा कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगला होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मींस ऐसी राशि जो कि कुछ शेयर होल्डर क्या होते हैं कि पहले ही एडवांस में ही पैसा दे देते हैं। जैसे अलॉटमेंट के साथ किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, या किसी ने एप्लीकेशन साथ ही पूरा पैसा दे दिया, या किसी ने फर्स्ट कॉल के साथ में सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, दिस इज कॉल्स इन एडवांस। यानी कि जो आने वाले बैलेंस को पहले ही कॉल पर पेड कर देते हैं वो हमारा कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। तो देखिए, कॉल्स इन एरियर तो कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि वो पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है कंपनी को, और कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए प्रॉफिट है क्योंकि पैसा जो आगे मांगने वाला है वो पैसा पहले ही प्राप्त हो रहा है, दिस इज कॉल्स इन एडवांस। तो वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां पर हम अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस तीनों के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन तो कुछ नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन का सीधा सा फंडा है कि अगर कंपनी 5000 शेयर मान लीजिए इशू कर रही है और 4200 शेयर्स की एप्लीकेशन से रिसीव हो रही है, तो यहां पर हमें जो मतलब होगा वो 4200 से होगा, 5000 से नहीं होगा। यानी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल की जो भी हम अमाउंट का मल्टीप्लाई करेंगे वो 4200 से करेंगे, और सिंपल क्वेश्चन हमारा जैसे हमने एट पार या एट प्रीमियम पर किया था वो इसी प्रकार से होगा सेम। केवल बस डिफरेंस जो आएगा वो केवल यही आएगा कि हमें 4200 शेयर से मतलब होगा, 5000 से मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम डिमांड करेंगे या पैसा आएगा वो 4200 से ही आएगा, क्योंकि 5000 कंपनी ने इश्यू जरूर किए हैं लेकिन प्राप्त उसको केवल 4200 शेयर ही हुए हैं, एप्लीकेशन केवल 4200 की हुई है, तो इसलिए केवल हमें इसी से मतलब है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन तो सिंपल सा है, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है उसी से कंपनी का मतलब है, वही डिमांड की जाएगी। ओके, दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आइए कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24। देखिए, 24 आपके बिन पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, जिनमें बुक नहीं है वो सामने स्क्रीन पर एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
तो आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में आपने देखा सबसे पहले वो कह रहा है कि 5 लाख के रुपीज जो 10 रुपीज में डिवाइडेड हैं, इस पर कैपिटल है कंपनी की और कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं 2 रुपीज प्रीमियम पर। 20,000 शेयर इशू किए हैं 2 रुपीज प्रीमियम पर और शेयर की वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है, इट मीन टोटल शेयर आपका 12 रुपीज का हो जाता है। यहाँ पर यह कह रहा है 2 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 2 रुपए है, 5 रुपए ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, और 2 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी जो कि 2 रुपए की है। तो इतनी उसने डिमांड की है, फाइनल कॉल उसने डिमांड अभी नहीं की है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, जब डिमांड ही नहीं करता क्वेश्चन तो हम उसे नहीं लगेंगे। ओके, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। वो कह रहा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो प्राप्त हो गए हैं सारे, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट कॉल मांगी थी तो उस समय पर 300 शेयर्स वाला शेयर होल्डर ने सभी पैसा अपना 300 शेयर पर पहले ही फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है, जितना भी बैलेंस है, इट मीन कॉल्स इन एडवांस हो गया। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स, और दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर है वो फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दे पाया है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, दिस इज कॉल सिनेरियो। तो इसमें कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन की अमाउंट को ही प्राप्त करेंगे, सो पहली एंट्री पास करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने 20,000 शेयर से और एप्लीकेशन मनी हमारी 2 रुपीज की है, इट मीन्स 40,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन की अमाउंट को अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट डिमांड करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इस पर प्रीमियम भी लगा हुआ है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि यहां पर हमें प्रीमियम भी डिमांड करना है। प्रीमियम आपका 2 रुपीज का है और टोटल अलॉटमेंट आपकी 5 रुपीज की है, तो इट मीन्स टोटल 5 रुपीज की है, तो ये आपका 1 लाख रुपीज हो गया। ओके, 3 रुपीज की अलॉटमेंट हो गई, इट मीन्स 60,000 रुपीज, और 2 रुपीज की प्रीमियम है, इट मीन्स 40,000 रुपीज ये हमने डिमांड किया। तो अलॉटमेंट पर तो कह रहा सारा पैसा हमें रिसीव हो चुका है, तो एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा प्राप्त हो गया, इट मीन्स 1 लाख रुपीज आपको रिसीव हो चुका है। ओके, अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो फर्स्ट कॉल मांगने की वही सिंपल एंट्री होगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने फर्स्ट कॉल मांगी, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल थी आपकी 2 रुपए की, इट मीन्स 20,000 पर, यानी कि 40,000 रुपीज हमने डिमांड किया फर्स्ट कॉल पर। ओके, अब फर्स्ट कॉल हमको रिसीव होगी, सो ध्यान दें बैंक अकाउंट डेबिट, और वो कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे वो फर्स्ट कॉल की राशि को पे नहीं कर पाया है, इट मीन्स कॉल्स इन एरियर होगा, सो कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है कंपनी के लिए क्योंकि लॉस है, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट आप शो कराएंगे टू शेयर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और एक शेयर होल्डर जिस पर 300 शेयर्स थे उसने क्या किया है, एंटायर बैलेंस यानी कि बचा हुआ बैलेंस है वो सारा फर्स्ट कॉल पर दे दिया है, इट मीन्स कॉल्स इन एडवांस है जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा, सो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ऐसे हम शो कराएंगे। तो ध्यान देंगे यहां पर, अब देखिए अमाउंट कितनी कितनी आएंगी, तो सबसे पहले मैंने 40,000 रुपीज डिमांड किए थे। ओके, कितने रुपीज, 40,000 रुपीज मैंने डिमांड किए थे फर्स्ट कॉल पर। वो कह रहा है कि 1,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त नहीं हुई है, इट मीन्स इसको यहां लिख देते हैं लेस कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर कितना है, 1,000 शेयर पर राशि प्राप्त नहीं हुई है,
फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपीज की है, तो इसलिए 1000 × 2 इट मीन 2000 रुपीज आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो टोटल 38000 रुपीज प्राप्त होने चाहिए। तो 38000 रुपीज तो मुझे फर्स्ट कॉल से रिसीव हो गए। इसके बाद वो कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे उसने एडवांस पैसा दे दिया है, एंटायर बैलेंस। तो एंटायर बैलेंस कितना है वो हम देखेंगे। शेयर मेरा 10 रुपए का था, 10 रुपए के शेयर में आपने 2 रुपए एप्लीकेशन पर ले लिए थे, 3 रुपए अलॉटमेंट पर ले लिए थे प्रीमियम को हटा करके, और 2 रुपए आपने फर्स्ट कॉल पर ले लिए थे। इट मीन 7 रुपीज आपको रिसीव हो चुके हैं, बचे कितने 3 रुपीज, क्योंकि 10 रुपीज टोटल शेयर था, तो यहाँ पर बैलेंस 3 रुपए का बचता है। तो 3 रुपए उसने आपको दे दिए हैं कितने पर, 300 शेयर पर 3 रुपए वो दे चुका है। दिस इज कॉल्स इन एडवांस। ओके, सो 300 शेयर पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग पैसा प्राप्त हो गया है, इट मीन इतना 900, तो 38,900 रुपीज हमारा बैंक में हमें रिसीव हो गया है। तो बैंक में हम अमाउंट डालेंगे 38,900। ओके, कॉल से एरियर आपकी 2000 रुपीज की, शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी टोटल 40,000 रुपीज की थी, और कॉल से एडवांस कितने रुपए का है 900 रुपीज का है। तो इस प्रकार से ये एंट्री अभी कंप्लीट हो गई, बैंक में पैसा आया मेरे पास 30,900 रुपीज। 30,000 रुपीज फर्स्ट कॉल से प्राप्त हुआ, 2000 रुपए जो नहीं दे रहा है कॉल सेनेरियो को उसे काट करके, और 900 रुपए जो कॉल सेनेरियो एडवांस के थे वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। कॉल सेनेरियो 2000 प्राप्त नहीं हुआ, वो तो 2000 दिखा दिया है, फर्स्ट कॉल टोटल 40,000 रुपीज की थी जो डिमांड की गई थी, कॉल सेन एडवांस 900 रुपीज का जो कि पहले ही प्राप्त हो चुका है। तो मैं मानता हूं कि समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अब इसने फाइनल कॉल को डिमांड नहीं किया है, लेकिन अगर फाइनल कॉल को डिमांड करता तो हम कॉल सेन एडवांस को कैसे एडजस्ट करते हैं उसमें, वो और हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम फाइनल कॉल को डिमांड करेंगे तो फाइनल कॉल पूरे से डिमांड की जाएगी। मान लीजिए एंट्री होती शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 3 रुपीज का था, तो इट मीन 60,000 रुपीज हम डिमांड करते। अब 60,000 में से वो कह रहा है 900 रुपीज ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुके हैं कॉल सेन एडवांस के रूप में, तो जब पैसा प्राप्त होगा तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट शो कर देंगे, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 900 रुपीज जो मुझे पहले ही एडवांस में प्राप्त हुए थे वो मैंने एडवांस को डेबिट कर दिया है, एडवांस ऑलरेडी आ चुका है 900 रुपीज का। इट मीन्स यहां पर 59,100 रुपीज से एंट्री पास होगी टोटल 60,000 रुपीज, यानी कि बैंक में जो पैसा आया वो 59,100 आया, और 900 रुपए कॉल्स इन एडवांस को ऑलरेडी मुझे प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए उसको मैंने डेबिट शो करा दिया। दिस इज कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। तो समझ में आ गया होगा, कॉल्स इन एरियर जो राशि नहीं दे रहे हैं वो कॉल्स इन एरियर है, कंपनी के लिए डेबिट होंगे। कॉल्स इन एडवांस जो राशि ऑलरेडी दे चुके हैं, पहले ही दे चुके हैं, एडवांस में दे चुके हैं, वो कॉल्स इन एडवांस होंगे, कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो इसलिए वो क्रेडिट होंगे। तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा ये। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अब आप रिवाइज करें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और अंडर सब्सक्रिप्शन में जो क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे हैं उन सभी को आप रिवाइज कर लीजिए। उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में तभी आएगा जबकि अभी कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस ये अभी क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक आप पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।